पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योग हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत में योग की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। कोविड काल में लोग योग के प्रति और ज्यादा जागरूक हुए। भारत के साथ आज पूरी दुनिया योग की ताकत को मानती है। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा तो बहुमत के साथ उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इस साल योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग रखी गई। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए इस थीम को चुना गया। आज पूरे विश्व में धूमधाम के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल संस्था की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। योग ट्रेनर महजबी परवीन ने सभी सदस्यों को योग कराया। इस दौरान पर्वत आसन, गौमुख आसन, वृक्षासन, ताड़ासन, त्रिकोण आसन, भुजंग आसन, सूर्यासन, सुदम आसन, सेतुबंध आसन के साथ और भी योग के महत्व समझाए गए और आसन कराए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन संजना भटनागर और मिली सिक्का के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर सभी ने योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया और सभी ने एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। आज हमारे क्लब में योगा दिवस मनाया जा रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग को बता रही हैं कि योग करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे आप सोचेंगे कि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, मशीन ले लीजिए या आटा मलने की मशीन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। उसकी वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाती है, ना तो हमारी नीज मूवमेंट करती है, ना हमारे हैंड मूवमेंट करते हैं। इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में मोस्टली देखेंगे पेन ही रहता है। इंडिया में अब मोस्टली लोग अपने आप को फ्री रखने के लिए कपड़े भी हाथ से नहीं धो सकते, खाना भी आसानी से नहीं बना सकते, खाने के लिए भी मेड रख लिए, तो हमारी बॉडी में कहाँ से एनर्जी आएगी। ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है, उसकी वजह से आप मॉर्निंग भी एनर्जी फुल नहीं रहती है। योग करने से इतना तो होता है कि हम लोगों के जो मूवमेंट पहले होते थे वो अब फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। कितनी महिलाओं द्वारा हिस्सा लिया गया है? हमारे अराउंड 20 फ्रेंड्स आए हैं जो खुद भी करना चाहते हैं और मुरादाबाद के सभी जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आपको योग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार को अच्छे से रख पाएंगे, हम अपने बच्चों को अच्छे से पाल पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आज मेरे द्वारा यहाँ योगा कराया गया। योगा का प्रशिक्षण मैंने लोगों को दिया है, क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून जो है वो योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले तक देखिए कोई भी अवेयर नहीं था, पर जब से हमारे मोदी जी ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया तो लोग जो लोग नहीं जानते थे अब वो भी इसके बारे में जान गए हैं और कोशिश करते हैं कि सभी लोग जो है योग करें। और योग देखिए 21 जून के लिए स्पेशली नहीं है कि आप एक दिन योग करें और बाकी के दिन ना करें। मेरा कहना है कि आप प्रतिदिन अपनी लाइफ में से नहीं ज़्यादा तो कम से कम आधा घंटा यानी 30 मिनट्स आप अपने जीवन की दिनचर्या को सुधारने के लिए दे सकते हैं। आजकल लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, मेडिसिन ले रहे हैं या फिर बीमार हैं, जैसे थायराइड है, ऑर्थोराइटिस है, डायबिटीज़ है, साइटिका है, इन सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो हम इन बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं? एक योगा ही है। योगा, मेडिटेशन और आप जो भी प्राणायाम करते हैं उससे आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। उसे आप प्रतिदिन सुबह, आप सुबह उठिए, आधा घंटा अपने लिए निकालिए, आप इससे अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म घटा सकते हैं, इम्यून सिस्टम को सुधार सकते हैं। सेकेंडरी चीज़, आपकी जो भी डिसीज़ हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह उठकर अगर आप टहलते हैं, आप 10 से 15 मिनट आप टहलिए, आप खुद देखिएगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनकी डायबिटीज़ नीचे आ जाती है, जिन्हें ऑर्थोराइटिस है उनकी बॉडी में बहुत सारा मूवमेंट होने लगेगा, जिनके हाथ या पैर मूवमेंट नहीं करते हैं उनमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा। दूसरी चीज़, जो बच्चे हैं, देखिए बड़े लोग तो कर लेते हैं, अभी हम योगा डे पे जितने भी मैंने देखा है लोग आते हैं, बड़े ही लोग आते हैं, कोई अपने घर से बच्चों को लेके नहीं आता, बट हमें बच्चों को भी अवेयर करना है जिसके, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है, तो हमें उन बच्चों को जागरूक करना है ताकि वो आगे जाके सुबह उठ के करें, क्योंकि योग जो है वो हमारा इंडिया का है। इसे विदेशियों ने इतना अच्छे से अपना लिया है कि विदेश में लोग ज़्यादातर मेडिसिन के बिना रहते हैं और योग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, बट इंडिया में क्या है कि मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो हमें मेडिसिन को अगर दूर करना है अपने आप से और अपने भारत को, मतलब अपने भारत का जो बजट है वो मेडिसिन के मामले में अगर हमें ज़ीरो करना है तो हमें योग को अपनाना होगा, प्राणायाम को अपनाना होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।